देश को चाइल्ड अब्यूज या बाल शोषण व सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए केरला का एक युवा आनंदू इन दिनों साइकिल यात्रा पर निकला है। 4 से 5 माह की यात्रा पर निकले इस युवा का मकसद लोगों को बाल शोषण व साफ सफाई के प्रति जागरूक करने सहित देश दुनिया के लिए खतरा बन चुकी कोरोना महामारी से बचने के लिए सचेत करना है। गुरुवार को यह युवा बिलासपुर पहुंचा, जहां उसने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बताया उनकी यह साइकिल यात्रा कश्मीर से केरल तक है, जिसे 4 से 5 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरा नॉर्थ एरिया भ्रमण करने के बाद वे वापस केरल जाएंगे। मेरा नाम आनंदू है, मैं केरला से आया हूँ। मैं कल ही चंडीगढ़ से मेरा यात्रा शुरू किया और कल चंडीगढ़ से यहाँ आप मंडी, मनाली, लद्दाख और श्रीनगर पूरा नॉर्थ घूम के वापस साइकिल पे ही केरला वापस जाएगा। 4 और 5 महीने की सफ़र होगा ये। मेरा मोटिव है कि चाइल्ड अब्यूज़ का अवॉइड करना और लिटरिंग वो कचरा भी रोड पे बेचने के लिए अवेयरनेस करता है, वही दोनों मेरी मोटिव है। और कोरोना की थर्ड वेव भी आ रहा है, इसके लिए अवेयरनेस तो थोड़ा लोग के लिए पास पहुंचने के लिए भी मैं ये साइकिलिंग करता हूँ। कोरोना से बचकर रहने के लिए गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना ज़रूरी है। मास्क पहन साइकिल करना है और हम फिट रहने के लिए हम साइकिलिंग करते हैं, इसलिए हमारा शरीर को बहुत हेल्थ मिलेगा, ऐसा हम अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।